ईरान के संभावित हमलों से इतर इसराइल ने अब अपनी पूरी ताकत लेबनान ऑपरेशन में झोंक दी है। इससे बौखलाए हिजबुल्ला समूह ने भी अपने हमलों को धार देना शुरू कर दिया है। अपने ताजा ऑपरेशन का खुलासा करते हुए समूह ने उत्तर के बाद मध्य इसराइल को तबाह करने की धमकी दे डाली। मैगन डेविड एडोम ने लेबनान से दागे गए रॉकेट से तीरा शहर में घायल हुए लोगों की संख्या बढ़कर 11 कर दी है। इजरायली मीडिया के मुताबिक 2 नवंबर की सुबह मध्य इसराइल में सायरन बजने से कई लोग घायल हुए। मध्य इसराइल में हरजीलिया, रनाना, कफर शबा और तीरा में हवाई हमलों का अलर्ट सायरन बजा। IDF ने कहा कि लेबनान से 3 रॉकेट इजरायली एयर स्पेस में घुसे, जिनमें से 2 रॉकेट को हवा में मार गिराया गया, जबकि 1 रॉकेट इसराइल के इलाके में जा गिरा। बताया गया कि तीरा में स्ट्राइक से एक इमारत में कई लोग फंस गए, जिन्हें फायर ब्रिगेड ने कड़ी मशक्कत से सुरक्षित बाहर निकाला। इमारत से करीब 8 लोगों को बचाया गया, जिनमें से कई घायल हुए। बता दें कि तीरा एक अरब शहर है, जो एक सप्ताह में हिजबुल्ला के रॉकेटों से प्रभावित होने वाला दूसरा अरब शहर है। लेबनान प्रतिरोध ने इसराइल और उसके सैन्य ठिकानों के खिलाफ जवाबी कार्रवाई की। समूह ने दावा किया कि इसराइल की कई बस्तियों और सैन्य टुकड़ियों को निशाना बनाया गया। लड़ाकों ने किरत शमोना समेत कम से कम 3 इजरायली बस्तियों को पूरे दिन मिसाइलों से निशाना बनाया। लड़ाकों ने बड़े रॉकेट बैराज के साथ करमील और मालोत तरशीहा की बस्तियों पर भी बमबारी की। हिजबुल्ला ने पहले दावा किया था कि उसने कब्जे वाले इलाकों के उत्तर में खियाम में इजरायली सैनिकों की एक सभा पर मिसाइल से हमला किया। इसराइली अखबार यरूशलम पोस्ट ने पुष्टि की है कि लेबनान से आई आसमानी आफत ने जमकर कहर बरपाया है। उत्तरी इसराइल में सैन्य ठिकानों और बस्तियों की ओर कम से कम 30 रॉकेट दागे गए। इससे इजरायली खेमे में जबरदस्त हड़कंप मच गया। इस हमले के बाद 10 सैनिक और निवासी घायल हो गए। हिजबुल्ला ने कहा कि हमले लेबनानी शहरों, गांवों और नागरिकों के खिलाफ इजरायली हमलों के जवाब में है। दरअसल बीते दिनों इसराइल के हवाई और तोप हमलों से लेबनान के कई रिहायशी इलाकों में जबरदस्त तबाही मची। दावा है कि बड़ी संख्या में लोग हताहत हुए। लेबनान के स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि बालबेक हरमेल इलाके में इजरायली हमलों में कम से कम 10 लोग मारे गए, वहीं 2 दर्जन से ज़्यादा लोग घायल हुए। बताया जाता है कि हताहतों में से ज़्यादातर लोग अमजा गांव के हैं। इसके अलावा दक्षिणी लेबनान के टायर शहर पर भी इसराइल के हमले जारी हैं, जिसमें 1 लेबनानी की मौत हुई और 1 घायल हुआ। लेबनानी अधिकारियों की माने तो 1 नवंबर के हमलों में लेबनान भर में कम से कम 50 लोगों की जान चली गई। इसके चलते हिजबुल्ला इसराइली सैनिकों को निशाना बनाकर जवाबी कार्रवाई के साथ हमलों को करारा जवाब दे रहा है।